उसका फेस इधर कर दो ना कैमरा का. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल. सो लास्ट चैप्टर में जो कुछ हुआ था हमने डिस्कस किया था, उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या फिर क्विक रीकैप करना हो तो वो मुझे बता दीजिए. आई रीकैप इट क्विकली अगर रिक्वायर्ड है तो. हाँ जी जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में. ओके देन लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के लिए हमें सडन रिस्पॉन्स आना, मतलब विदाउट थिंकिंग. ठीक है, जो थिंकिंग एक प्रोसेस है, किसका फंक्शन है ये? ब्रेन का ही एक फंक्शन है. ठीक है, किसमें हेल्प करता है ब्रेन? थिंकिंग में. रिफ्लेक्स एक्श आर्क, या फिर हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. डेफिनेशन क्या है पहले वो समझिए. द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सिस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. एक एक्शन में, ठीक है, जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो सडन कौन एक्शन देगा, नर्व इम्पल्सिस, क्विक एक्शन जो प्रोवाइड करेंगे, इस होल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. इसमें क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग स्टार्ट करें, ठीक है, तो हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो है, जो जिसका काम है एक प्रोसेसिंग करना, थिंक करना किसी चीज़ के बारे में, तो वो हर एक का जो माइंड है वो इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम थिंकिंग पर रिलाय नहीं कर सकते. रिफ्लेक्स आर्क को क्या करने के लिए, एक सिग्नल प्रसीव करके, प्रोसेस करके, देन एक उसका रिस्पॉन्स देने के लिए हम सिर्फ थिंकिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. तो उसके लिए क्या बने हैं, नर्व इम्पल्सिस, न्यूरॉन बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करेंगे तो क्या आप ये सोचते हैं कि हम मैं कितनी देर तक उसको पकड़ के रखूँ या छोड़ना है, क्या मैं उसको टच करूँ कि नहीं? वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का जो एक रिस्पॉन्स आता है कि अगर हमें कोई चीज़ गर्म लगती है हम तुरंत से हाथ हटा लेते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड्स जिसे हम कहेंगे, नैनो सेकेंड्स में हमारा रिस्पॉन्स आता है. किसके थ्रू आता है? मीडिएटेड बाय नर्व इम्पल्सिस. ओके, तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है. ब्रेन इन्वॉल्व होता है. ब्रेन का कौन सा पार्ट? इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? नर्व इम्पल्स, नर्व्स, सेंसरी एंड मोटर, एंड ऑल्सो रिले न्यूरॉन्स एंड मसल. इनका क्या होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, ये अभी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, अपने आप से आता है. ठीक है, हम कोई सोच के नहीं करते हैं कि हाँ मैं उसको पकड़े रखूँ या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, अगर कोई हमें हिट कर रहा है, कोई चीज़ हिट हो रही है, तो हम पीछे हट जाते हैं ना एकदम से, या उसको रिप्लाई बैक करते हैं. तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है एक स्टिमुलस के टुवर्ड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क. ओके, नेक्स्ट इज कैसे होता है रिफ्लेक्स आर्क. तो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कैंडल. ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी फिंगर करूँ तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, मेरी बॉडी अपने आप एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगी, सिग्नल आएगा कि पुल योर बैक, पुल योर हैंड बैक. ठीक है, सो दैट कि मेरा जो हाथ है, स्किन है, वो बर्न ना हो जाए. ओके,
पेन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो, बताइए, क्विकली रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज़। जब मैं कोई क्वेश्चन पुटअप करूँ तो उसका तुरंत से जवाब आना चाहिए। पेन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं अपना फिंगर यूज़ कर रही हूँ तो इससे थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि एक ऑर्गन को जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तो कहाँ होंगे वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट? स्किन के रिसेप्टर्स की यहाँ बात हो रही है जो हमारे स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंट बाय स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टिमुलेट द बाइसेप मसल ऑफ द अपर आर्म एंड दे मेक बाइसेप मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? ये हमारी मसल्स हैं बाइसेप एंड लोअर वन इज ट्राइसेप। अपर वन को बोलते हैं बाइसेप और लोअर को बोलते हैं ट्राइसेप, ठीक है। बाइसेप क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे टू पेयर ऑफ मसल्स हैं और नीचे की साइड जो है थ्री पेयर ऑफ मसल प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसलिए बाइसेप और ट्राइसेप बोलते हैं। जब हमने एक, हमारे पास क्या है कि स्टिमुलस कहाँ से आता है? यहाँ से, कि फिर हम अपना हाथ हटाते, तो ये एक प्रोसेस है। कैसे, कौन कौन से न्यूरॉन्स काम करेंगे? मैंने कल भी बताया था, एक यहाँ पे नया नाम है, दैट इज एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है टुवर्ड्स मूवमेंट, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन मतलब ये सिग्नल को, स्टिमुलस को कैरी कहाँ तक करेगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो इसको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। स्पेलिंग क्या है? AFFERENT, एफरेंट, ठीक है। और जो ब्रेन से टुवर्ड्स द ऑर्गन लेके जाएगा उसको हम बोलते हैं ईफरेंट, ई कैपिटल ई, ठीक है, EFFERENT, ईफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? स्टिमुलस गया, ठीक है, दिस रेड वन, ओके, एफरेंट है, यहाँ पे गया इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेंसरी और मोटर के बीच में एक न्यूरॉन होता है जो उनके कंडक्शन में हेल्प करता है सिग्नल के, तो उन न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं हम? रिले न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन्स। और क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आया, ये ब्लू कलर का मैं शो करती हूँ, ये जो है ये प्रेजेंट है हमारा रिले न्यूरॉन। ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग हो गई होगी ब्रेन में, ये कंडक्शन कराएगा एफरेंट न्यूरॉन से जो मैसेज आया है, कहाँ तक? ईफरेंट न्यूरॉन, जो मैसेज को ऑर्गन तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ईफरेंट, जो मैसेज क्या करके लेके जाएगा मसल्स तक, और इनको क्या कराएगा? इनका, इनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा किस चीज़ के लिए? पुलिंग के लिए, कि अपना हाथ वहाँ से हॉट ऑब्जेक्ट से हटाना है, ठीक है। तो सेंट बाय द स्पाइनल कोड यहाँ पे वर्क करेगी, जो मैसेज भेजेगी। नेक्स्ट, व्हेन द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स ऑन अ बोन ऑफ द लोअर आर्म एंड मेक इट मूव लिफ्टिंग द हैंड अवे। ये बस प्रोसेस बताया है कि बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बोन पे है ना मसल्स अटैच्ड हैं, तो बोन को पुल करेगी और हमें अपना हाथ हटाने के लिए बोलेगी फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये आपको पता है कि क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक? इफेक्टर ऑर्गन तक, और उसने इसको क्या एक कमांड दिया कि पुल योर हैंड बैक। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रिटन ओवर हियर इज इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑब्वियसली ये तो नहीं कि अगर हमने हाथ हटा लिया तो यहीं रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सेज क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज, नाउ विल स्टडी द ह्यूमन ब्रेन। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। इंटेलिजेंट क्रिएचर जिसे बोला जाता है उनमें से एक ह्यूमंस हैं। तो हम अभी डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे कि ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है, और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। हर एक पार्ट है उसमें डिफरेंट सेंटर्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट
किसको एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कमांड देती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए. तो हम ये सब पढ़ेंगे अभी. सो ब्रेन इज़ द हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है, कमांड सेंटर है ये हमारी बॉडी का. मैंने पहले भी बताया इट इज़ अ कमांड सेंटर ऑफ आर बॉडी एंड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल. स्कल इज़ द यहाँ पे जो है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, आउटर जो बॉक्स है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है इट इज स्कल. इट इज स्कल. और ये क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है. आप टच करके देख पता चलता होगा कि आपको बहुत थिक एक जो लेयर है बोन का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं. और इसका दूसरा नाम और क्या बोलते हैं, क्रेनियम. क्रेनियम भी बोलते हैं. एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, जिसमें ब्रेन स्टोर है, ओके, इट इज नोन एज ब्रेन बॉक्स. नेक्स्ट, अब ये जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर डिफरेंट ना कवरिंग्स होती हैं, इसको मैं ग्रीन कलर से शो करती हूँ. इस पर डिफरेंट बहुत ही थिन जो है लेयरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस. मेनिंजेस क्या होते हैं, कवर्स होते हैं, ठीक है, वो इस पर प्रेजेंट हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को, ठीक है. और जो स्पेस है बीच में, स्कल और मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है. क्या काम होता है इस फ्लूइड का, कि शॉक एब्जॉर्बर होता है. इसका मेन फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, कि हमें अगर कोई चोट लगती भी है तो डायरेक्टली ब्रेन इफेक्ट ना हो. यहाँ पे एक लिक्विड पार्ट है जो एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर. स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, मेनिंजेस. ये वर्ड्स ध्यान में रखना कि मेम्ब्रेन की जगह आपको पेपर में पूछा जाए कि मेनिंजेस वर्ड यूज़ किया तो कन्फ्यूज नहीं होना. मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस भी बोलते हैं. फिल्ड विद अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है CSF, अगर कहीं लिखा है तो CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट. हर एक जो पार्ट है ब्रेन का, तीन मेनली डिवाइडेड है पार्ट में, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर मीन्स आगे वाला, मिड जो मिडल, एंड हाइंड इज बैक, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. और तीनों का क्या है, फंक्शन अलग अलग है. तीनों एक डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट लेते हैं और डिफरेंट आउटपुट सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है, ये काम है. नेक्स्ट इज, ये मैंने बता दिया तीन मेन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन में क्या आता है, किस सेंटर का क्या काम है और इनके भी पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं. सो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो मेजर पार्ट है जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, ठीक है, दिस वन इज मेजर पार्ट जो है ये होता है हमारा फोर ब्रेन. क्या होता है हमारा, फोर ब्रेन, ठीक है. नेक्स्ट मिड ब्रेन होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है इधर, ये मिड ब्रेन है. एंड नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन, जिसमें क्या आता है, ये अभी मैं स्ट्रक्चर का नाम बताऊंगी, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला, ये तीन पार्ट आते हैं, ये है हमारा हाइंड ब्रेन, ओके. सो फर्दर वी मूव, फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स है इसमें, सेरिब्रम, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. ये आपको याद रखना है, पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आएगा कि
फॉलोइंग इनमें से कोई ऑप्शन देंगे, ठीक है, तीन किसी और पार्ट से होंगे, पूछेंगे कि फोर ब्रेन का पार्ट इसमें से कौन सा है जो फोर ब्रेन को बिलोंग करता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिम्बिक सिस्टम एंड दी ऑल्फैक्ट्री बल्ब, जो हम स्मेल कर पाते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, स्मेलिंग जो पावर है उसका, जो रिसेप्टर और जो मेन सेंटर है सेंस का, स्मेल का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन में, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्ट्री बल्ब। ओके, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा हाइपोथैलेमस और एक ऑर्गन का नाम है, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको बस पता होना चाहिए, एमिगडेला। क्या बोलते हैं इसको? एमिगडेला लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, जो क्या किस में हेल्प करता है? जैसे हमें कोई चीज़ हम लर्न करते हैं, वो हमारी एक एक हमारी मेमोरी होती है जिसको परमानेंट मेमोरी, एक होती है टेम्परेरी। कुछ चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, और कुछ चीज़ें होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो एमिगडेला वो पार्ट है, ठीक है, जो किसको स्टोर करता है? हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी स्टोर करने के लिए लिम्बिक सिस्टम है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जो कहाँ एक्ट करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स पे, और उन ऑर्गन से वो जो हमें चाहिए होता है, जहाँ से उसका साइट है वहाँ से वो हॉर्मोन का रिलीज कराती है। और पिट्यूटरी को कौन गाइड करता है, मतलब पिट्यूटरी का मास्टर कौन है? वैसे हम ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है, ये सबके ऊपर सबको कमांड देती है, लेकिन इसको भी कोई कमांड देता है, वो कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछे कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, एल्स आपसे ये पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? तो दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, फिर आता है सेरिब्रम, जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड एरिया है हमारे ब्रेन का, जो मैंने यहाँ दिखाया था, ये ब्लू वाला, ये जो मैं येलो से कर रही हूँ, दिस वन इज़ आर सेरिब्रम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही किस में हेल्प करता है? मेन थिंकिंग पार्ट पे जो हम डिपेंड करते हैं, वो किसका फंक्शन है? सेरिब्रम का। सेरिब्रम इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। थिंकिंग पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। इट इज़ द साइट ऑफ आर लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। इसी में सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, मेजर जो हैं, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी, जिससे हम थिंक करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आर लर्निंग, जिस वे से हम लर्न कर पाते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं। रीजनिंग, इंटरप्रेट करना किसी चीज़ को, समझ के कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे, लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें, इस टाइप से, ठीक है, रीजनिंग। देन इंटेलिजेंस, और हमारा आईक्यू लेवल जो चेक करते हैं, ठीक है, वो भी इसी से ही पता चलता है। एंड पर्सनैलिटी एंड मेमोरी, मेमोरी को भी कौन स्टोर करता है? जहाँ पे अमिगडालस का छोटा सा पार्ट है फोर ब्रेन का, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑल आर थॉट्स, सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल करता है सेंसेशन को, कि हम कोई चीज़ फील कर पा रहे हैं, ठीक है, इधर बाय टच, ठीक है, इमोशनल है, या फिर उसको देख के, ठीक है, सेंस कर पा रहे हैं हम। एंड एक्शंस, मूवमेंट्स, हमारे बॉडी पार्ट की मूवमेंट है, ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। देर आर सेंसरी एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज और स्किन भी है ना, टंग, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? सेंसेशन या फिर फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल है रिसीव होता है, ठीक है, इनके थ्रू सेंसेशन से सिग्नल रिसीव होता है, और कहाँ पे जाता है? ब्रेन के किस पार्ट में? फोर ब्रेन। एंड फोर ब्रेन के भी किस पार्ट में? सेरिब्रम में, जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है और हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल दी वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं विच आर आवर कंट्रोल, विच आर अंडर आर कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने हैंड की मूवमेंट करनी है, मुझे कोई भी काम करना है, चलना है, घूमना है, या कुछ सोचना है पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में, तो ये सब काम क्या, ऐसे एक्शंस क्या कहलाते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस, एक्शंस विच आर
राइट विच आर अंडर आवर कंट्रोल. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिब्रम. इसको कौन कोऑर्डिनेट कराता है, सेरिब्रम. सेम जैसे मुझे लिखना है, हैंड मूव करना है, कोई भी एक्शन लेग का मूवमेंट कराना है, ये सब वॉलंटरी एक्शन है और इसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया है फोर ब्रेन, नेक्स्ट इज आर मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में क्या है, कुछ थोड़ा सा ही पार्ट आता है जो किस में हेल्प करता है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई. जो विजुअल जो हम देख के या फिर ऑडिटरी, ऑडिटरी मीन्स सुन के जो हम सिग्नल स्टिमुलस को लेते हैं उसका प्रोसेस करके, और उसमें भी कौन से रिफ्लेक्स मूवमेंट शो करता है हमारा मिड ब्रेन. एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, चेंज इन प्यूपल साइज, शेप ऑफ द आई लेंस. जैसे ये आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो, नहीं तो आगे पढ़ने वाले हैं कि आई मसल्स का मूवमेंट, ठीक है, हम जो मूव करा रहे हैं ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है. प्यूपिल का साइज कैसे चेंज होता है, इन लाइट की इंटेंसिटी से. पता है ना ये आप लोगों को कि लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, डायलेट होगा. और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो प्यूपिल का साइज जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एंड द शेप ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस को मसल्स होल्ड करके रख रही हैं उनका शेप भी इसी पे डिपेंड करता है. कौन कंट्रोल करता है इनकी मूवमेंट को, मिड ब्रेन. नेक्स्ट इज किसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हाइंड ब्रेन का. हाइंड ब्रेन में भी कुछ पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड यहाँ पे है एक पार्ट में यहाँ लिख देती हूँ, मेड्यूला. क्या नाम है, मेड्यूला. तीन पार्ट हैं इसके, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. मैंने दिखाया था ना आपको ब्रेन स्टेम जो होती है वो होती है मेड्यूला, उसके ऊपर जस्ट जैसे ब्रेन है यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता ही होती है हमारा, मेड्यूला एंड पोन्स होते हैं और इसके पीछे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम. What do we call it? Cerebellum. Cerebrum जो है वो forebrain का part है and cerebellum जो है वो है hindbrain का part. So first we'll discuss the pons. Pons का क्या काम है? It takes part in regulating respiration. कैसे respiration को control करेगा? क्यों? मैंने आपको बताया था कि different जो part है हमारे brain का उसमें different centers present हैं. सेम अगर ये इसको कंट्रोल कर रहा है तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछे इनडायरेक्टली कि रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट में प्रेजेंट है हमारी ब्रेन की, देन द आंसर विल बी पोन्स. रेस्पिरेशन सेंटर क्या कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स, विच इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. ओके, ये भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. क्या फंक्शंस इसके, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. हम सुन के, ठीक है, ईयर्स का यूज़ करके अपने बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, चल रहे हैं और पोस्चर को एक मेंटेन कर रहे हैं. किसका फंक्शन है, मेड्यूला, सेरिबेलम का. ठीक है, नेक्स्ट, इट एनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स. प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें कितना चलना है, आगे कोई गड्ढा है या नहीं, उसमें पाँव रखना है कि नहीं, प्रिसाइज मूवमेंट्स करने, इतना ही चलना है. ठीक है, तो वो कौन हेल्प करता है हमें, कौन गाइड करता है, दैट इज सेरिबेलम. ओके, सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल एट्सेट्रा. ठीक है, ये जितने भी स्मूथ मूवमेंट्स है जो हम अपनी बॉडी से करवाते हैं विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम. ओके, एक यहाँ पे आता है आपका स्पाइनल कोड. ये अभी हम नेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है मेड्यूला, मैं बाद में करती हूँ. चलो,
नेक्स्ट पार्ट इज मेड्यूला, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. ओके, मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस. अभी मैं एक डिफरेंस करा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है, पहले मैं करा ही देती हूँ. ओके, वॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? आर द एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल. विल मतलब हमारी मर्जी, ठीक है, हमारी मर्जी के अनुसार जो है हम वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ हैंड. ओके, एंड रनिंग एटसेट्रा. जो भी एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे हैं, उन एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस. एंड द अदर वन इज इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी कौन से होते हैं? विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दे आर, कौन इसको कोऑर्डिनेट कराता है? बट किसके कंट्रोल में होते हैं? हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के. एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलके जो हम झपकाते हैं अपनी मर्जी से. अगर मान लो कोई कहता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से झपकाता हूँ, कितने टाइम तक? उसके बाद ये कि इनवॉलेंट्री एक्शंस बन जाता है, ठीक है, अब बॉडी अपने आप उसको करा रही है, ठीक है. एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं ऑप्शंस देके कि कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन है कौन सा नहीं है. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है. एक हमने डाइजेशन के टाइम पे फूड का मूवमेंट किया था ईसोफेगस में, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? याद है किसी को? दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस. जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ठीक है, अंदर जो जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, योनिंग, उबासी लेते हो ना आप लोग, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. जब भी आपके बॉडी में योनिंग, कब उबासी कब आती है हमें? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है तो हमें, वी डू योन, ठीक है. तो ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस है. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी.
और प्लीज़ एक होता है ना कि ऐसे चुपचाप बैठे मत रहा करो, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका क्विकली आंसर दिया करो, मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मेडुला क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट। ठीक है, इसका अपना जो हार्ट का फंक्शन है उसको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, उसका अपना एक फंक्शन है जो अपने हिसाब से चलेगा, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए क्या है इनवॉलेंट्री एक्शन? ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और क्या किसका मूवमेंट? ईसोफेगस। स्पेसिफिकली एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना ईसोफेगस, ईसोफेगस में होते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, मेड्यूला इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर द रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, छींक अपने आप से आती है ना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, किसी चीज़ को देखने के बाद हम अपने उसको मतलब फोर्सफुली ये एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकते, एंड वॉमिटिंग। एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या था मैं लिख देती हूँ। टेंथ के बाद आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना उसमें आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन है और मुझे क्विक रिप्लाई चाहिए, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। जल्दी मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन, किसके बारे में बात हो रही है? इन केस ऑफ ह्यूमंस कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए। जल्दी रिप्लाई करो। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड मुस्कान, इट इज़ प्रेजेंट इन मेड्यूला। ठीक है, ये लास्ट अभी जो मैंने लाइन पढ़ी थी मेड्यूला में, उसमें क्या फंक्शन है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसमें एक पॉइंट था वॉमिटिंग। अगर वो उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसका सेंटर भी वहीं प्रेजेंट होगा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, पहले बताया। वॉमिटिंग सेंटर इन आवर बॉडी इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला, एंड मेड्यूला किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो आपको ये चीज़ें रिमाइंड याद रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। वेरी गुड रोहित एंड रवि। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेड्यूला ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड कैरी करेगा मैसेज को, ठीक है, ये हम अभी पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पहले, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी। पहले तो ये है जो हमारा वर्टिब्रल कोलम, जो हमारे 33 पेयर्स जो वर्टिब्री के प्रेजेंट है, 33 वर्टिब्रीज प्रेजेंट है हमारे किसमें? बैकबोन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। उसके अंदर ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या रन करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये जो यहाँ पे येलो में, इसको दूसरे पिंक कलर से दिखाती हूँ, क्लियरली दिखेगी आपको, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो इसके जो इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्या कर रही होती है? पास कर रही होती है, और यहाँ पे स्पेसेस होते हैं, हर एक वर्टिब्री के बीच में स्पेस होता है, जहाँ से कौन सी नर्व निकलेगी। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व।
ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है और इसका फंक्शन क्या है। ओके, सो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेन का जो जैसा स्ट्रक्चर होता है। कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा क्या होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड बिगिन्स इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेड्यूला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड। जो हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला, उसके कॉन्टिन्यूएशन मतलब उसके साथ ही आगे कॉन्टिन्यू करती हुई प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इट एनक्लोज इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। अभी मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो प्रेजेंट है हमारा, उसको हम फोरामेन कहते हैं। साइंटिफिक वर्ड क्या है, अगर किसी बोन है ये, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये कोई एक वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें स्पेस कैविटी प्रेजेंट है, तो हम इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोरामेन, FORAMEN। किसी भी कैविटी को बोलते हैं बोन की फोरामेन। तो इसमें से क्या क्रॉस होके, इसमें से पास होके हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक, कहाँ तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड डाउनवर्ड। और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बोला है, बोन है तो बोनी केज बोला, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन पे भी मेनिंजेस हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड पे भी डिफरेंट मेनिंजेस हैं। अभी आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी मेनिंजेस हैं, ये आपको अभी नहीं आएगा इतने लेवल का, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ब्रेन एंड ऑल्सो दी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल नर्व से जो इफरेंट एफरेंट होगी वो लेके भी जाएगी ब्रेन तक और वहाँ से लेके भी आएगी, जो स्पाइन की नर्व्स होती हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक मिनट, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एक होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज CNS एंड PNS। CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट इज PNS, पेरीफ्रल, जो पेरीफ्रीज पे प्रेजेंट होता है, जो एक्सट्रीमिटीज होती है हमारी बॉडी की उस पे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को मैं NS ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल से नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर जो हमारी बॉडी का एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, उसमें जो प्रेजेंट है, तो दैट इज़ आर ब्रेन। एंड उसके कॉन्टिन्यूएशन में जो नर्व जा रही है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड कंटेनिंग स्पाइनल नर्व्स। तो क्या इंक्लूड है CNS में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड व्हाट इज पेरीफ्रल, पेरीफ्रल मीन्स जो ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफ्री में क्या आता है, जो वेन्स या नर्व हमारी आर्म्स से आ रही है, ठीक है, लेग से आ रही है, और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आके कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से इंटरेक्ट कर रही है, तो ये पेरीफ्री से आ रही है ना बॉडी के अदर पार्ट्स देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम बोलते हैं पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये दो टाइप के नर्वस सिस्टम होता है, फर्स्ट इज सेंट्रल एंड अनदर इज पेरिफ्रल।
नेक्स्ट आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मैंने बताया था ना उस दिन आपको कराया था ये सारा, जिसमें हम हार्मोनल सिस्टम, डिफरेंट ग्लैंड स्टडी करेंगे, ठीक है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारी वेरियस ग्लैंड इंक्लूडेड है, कौन कौन से पार्ट हैं वो नीचे दिए हैं, पहले मैं ये पॉइंट पढ़ती हूँ। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स विच मेक, बनाएंगी और क्या करेंगी, स्टोर को, सॉरी बनाएंगी, स्टोर करेंगी और रिलीज करेंगी केमिकल सब्सटेंस जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम इन आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स विच मेक, स्टोर एंड रिलीज केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स। नेक्स्ट इज हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट एज अ मैसेंजर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन। मैंने बताया था ना एंडोक्राइन जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, इट एक्ट एज अ मैसेंजर किसके बीच में, नर्वस सिस्टम के बीच में और ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, ठीक है, इट एक्ट एज मैसेंजर। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, ये यहाँ पे सारी शो की हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक छोटी सी, आपको नहीं, यहाँ पे होती है, दिस इज पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस, ये मैंने भी बताया था आपको पहले पढ़ा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉयड ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, थायरॉयड कार्टिलेज एंड दिस इज आर थायरॉयड ग्लैंड। ये जो बटरफ्लाई विंग शेप है ना, बटरफ्लाई शेप्ड है, दिस इज थायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड, पैरा ये जो थायरॉयड है ना इसके पीछे जस्ट ये जो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, इसके पीछे जो चार पैचेस में, जैसे ये है ना ये आगे प्रेजेंट है, इसके पीछे फोर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ये होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, चार होते हैं स्मॉल स्मॉल पैचेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज थाइमस, यहाँ पे प्रेजेंट है और ये टाइम के साथ जो है विद द एज ये क्या होती रहती है, डिक्रीज, इसका साइज डिक्रीज होता रहता है। सो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, विद द एज कौन सी जो हमारी ग्लैंड है उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है विद द एज, जैसे जैसे हम ओल्ड मतलब बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे जो इसका साइज है इस ग्लैंड का वो क्या होता जाएगा, छोटा छोटा, ठीक है, तो इट डिमिनिशेस, डिमिनिश वर्ड भी आ सकता है और इट गेट डिक्रीजेस ये भी पूछ सकता है, तो उस ऑर्गन, उस ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस। नेक्स्ट इज पैनक्रियास, हमारी कौन सी ग्लैंड है, इसको हम मीरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके दो फंक्शन है, इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम मीरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, यह हमारा पैनक्रियास। ओके, लीफ शेप ग्लैंड। नेक्स्ट इज एड्रीनल, एड्रीनल कहाँ प्रेजेंट होगी, किडनीज के ऊपर, अ पेयर, मतलब दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी, ठीक है, किडनीज के ऊपर है इसका लोकेशन। नेक्स्ट इज टेस्टीज, टेस्टीज होगी सिर्फ मेल्स में, ओनली इन मेल्स, अ पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओवरीज, ओवरीज विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल्स ओनली, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये है ना यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस, कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रेन में होगा, इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, कोई भी हार्मोन है, ठीक है, जैसे थायराइड को कमांड देना है कि थायराइड रिलीज हो, तो ये रिलीज करेगा कौन सा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो किस पे एक्ट करेगा, पहले पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जब तक पिट्यूटरी उसको रिलीजिंग का एक्शन नहीं देगी तब तक काम नहीं होगा, अगर हाइपोथैलेमस भी दे रहा है तो, हाइपोथैलेमस के बाद किसका काम आता है, पिट्यूटरी का, मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले हाइपोथैलेमस कमांड किसको देगा, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी टारगेट ऑर्गन एंड देन द ऑर्गन विल सिक्रीट द हार्मोन, फिर जाके हार्मोन का रिलीज होगा उस ऑर्गन से, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन भी। और अगर उस हार्मोन का सफिशिएंट अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट हो चुका है, ठीक है, अब वो एक्सेस हो रहा है उसका, ज़्यादा वो बढ़ रहा है उसका अमाउंट जो है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? इनहिबिटरी मींस उसका स्टॉप करना, उस हार्मोन के रिलीज को स्टॉप करना, तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट विल रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मैंने बताया था इट इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को भी ये कंट्रोल करता है और उसके हार्मोन्स को भी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन एंड सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। जैसे अगर ये हाइपोथैलेमस है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये कौन सी होती है? हमारी पिट्यूटरी। ओके, वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी मेजरली, अभी हमें क्या डिस्कस करना है, जो मेन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जब हम प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं तब ये हार्मोन का सिक्रीशन क्या है, लेवल इंक्रीज होता है, जो क्या कॉज करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं बॉडी में उसका ग्रोथ कराता है, ठीक है, सभी पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ कराता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे या अनदर नेम इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमंस में सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल, ये एक्ट करेगा तभी हमारी बोन और मसल क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। नेक्स्ट वन इज आर थायरॉयड ग्लैंड, इट इज़ अटैच टू द विंड पाइप ऑफ आर बॉडी, मैंने बताया था ना विंड पाइप, बटरफ्लाई शेप जो ग्लैंड है दैट इज थायरॉयड ग्लैंड। किस चीज़ का, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, दैट इज थायरोक्सिन। आपको ये याद रखना है कौन सी ग्लैंड किसका कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, पिट्यूटरी जो कर रही थी दैट वाज ग्रोथ हार्मोन, और थायरॉयड करेगी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में मेजर एक जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है आयोडीन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्या फंक्शन है थायरोक्सिन का? इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ का डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, सब चीज़ को जो फंक्शनिंग है उसको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और आयोडीन, ये क्वेश्चन आएगा या तो टेक्स्ट फॉर्म में, जब आप टेक्स्चुअल पेपर दोगे, जो आपका थ्योरी पेपर होता है उसमें आएगा, नहीं तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, वो अभी हम करेंगे एमसीक्यूज। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरोक्सिन हार्मोन बाय द थायरॉयड ग्लैंड, देयरफॉर अगर इसका डेफिशिएंसी होगा आयोडीन का, अगर आयोडीन की डाइट में, इसीलिए हम जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, आपने देखा होगा लेबल पे लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होता है, इसलिए हमें वो बाहर से उसका इनटेक करना पड़ता है। और अगर इसका डेफिशिएंसी होगा आयोडीन का, तो वो कौन सा डिजीज कॉज करेगा, दैट इज नोन एज गॉइटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, एंड व्हेन द थायरोक्सिन हार्मोन डजंट गेट प्रिपेयर इन सफिशिएंट अमाउंट देन इट विल कॉज द डिजीज नोन एज गॉइटर। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है नेक के पास, स्वेलिंग हो जाती है, एक्सट्रीम स्वेलिंग हो जाती है हमारी नेक की, आपने देखी भी होगी, आपकी बुक में फोटोज होंगी। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, बताया था मैंने 4 स्मॉल पैचेस प्रेजेंट होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के, जो किस में एम्बेड होते हैं, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। क्या फंक्शन है पैराथायरॉयड का? इट सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज पैराथार्मोन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ अगर विजिबल नहीं है, इट इज नोन एज पैरा हार्मोन,
पैराथॉर्मोन बोलते हैं इसको। और ये क्या काम है पैराथॉर्मोन का, ये किस चीज़ के दो जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे कैल्शियम और फोस्फेट के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे हमारी बोन्स में मेजरली कैल्शियम का और ब्लड में भी विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है, सॉरी, हमारी बॉडी में कैल्शियम जो एब्जॉर्ब कराता है बोन्स में, हम डाइट के थ्रू मिल्क से लेते हैं, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, विटामिन डी। तो ये इनका फंक्शन है रेगुलेट करना किस किस के लेवल को, कैल्शियम एंड फोस्फेट। नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मैंने बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज मीरोक्राइन ग्लैंड, जिसमें इट फंक्शन एज एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगी, जस्ट बिलो द स्टमक। क्या सिक्रीट करती है, मेजर हॉर्मोन जो है वो है इंसुलिन, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हॉर्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी मीन्स जो अगेंस्ट किसी का काम करे, डायबिटीज़ के अगेंस्ट में, मतलब उसको क्योर करने के लिए हेल्प करता है, मतलब ग्लूकोज लेवल का जो राइज है हमारी बॉडी में उसको सप्रेस करके रखता है कि हमें डायबिटीज़ ना हो, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हॉर्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायबिटिक हॉर्मोन। ओके, फंक्शन क्या है इंसुलिन का, इज़ टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल। कहाँ पे, अल्टीमेटली ब्लड में ही जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करेगा, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी होता है हमारी बॉडी में उस हार्मोन का, इंसुलिन का, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो कौन सा डिजीज़ होगा, दैट इज़ डायबिटीज़। क्या बोलते हैं हम इसको, डायबिटीज़। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नली जो है इंसुलिन की टैबलेट्स या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू क्योर द डिजीज़, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, टू पेयर ऑफ, मतलब अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट, दो होती हैं, पेयर मीन्स दो एड्रीनल ग्लैंड हो गई। कहाँ पे होगी, टॉप ऑफ द टू किडनीज। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, नेम से बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज एड्रेनलिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको और भी एक नाम है, किस में हेल्प करती है, फियर फाइट एंड फ्लाइट। जब हमें एंजाइटी हो रही, किसी चीज़ की टेंशन है, किसी चीज़ को देख के डर लगता है, ठीक है, तो ये हमें एक एक्शन देती है कि या तो हम उसको, उससे फाइट करें या उस चीज़ को देख के भागें। तो फियर से क्या कराता है, फाइट या फिर फ्लाइट कराता है, वहाँ से उसको सिचुएशन को छोड़ने के लिए बोलता है। तो फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन इज़ टू रेगुलेट द हार्ट रेट, हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, और स्पेसिफिकली किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। गाइस प्लीज़ इसको बिल्कुल अच्छे से याद करो, समझ लो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे हार्मोन वाले पार्ट से, एक या दो। नेक्स्ट इज एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड, डरा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तब ये स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में हर टाइम सिक्रीट होता है। लेकिन कब ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है, या तो हम डरे हो, जब हमें एंजाइटी हो रही है, जैसे पेपर से पहले हो जाता है ना, टेंशन हो जाता है, उस टाइम पे भी एड्रेनलिन का रश होता है, एड्रेनलिन रश बोलते हैं। एंड जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रेनल ग्लैंड आर ऑफन कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी, एड्रीनल ग्लैंड को, जो एड्रेनलिन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट ग्लैंड इज टेस्टिस। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल्स में प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट इज टेस्टिस मेक्स मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ये जो है सेक्स हार्मोन एक टाइप का, कौन सा हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर, ठीक है, ये इसका फंक्शन है हार्मोन का। टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल गेमीट्स कॉल्ड स्पर्म, गेमीट्स को भी प्रोडक्शन करती है, जो हम बोलते हैं स्पर्म, जिसको बोलते हैं, ये किसका फंक्शन है, टेस्टिस ग्लैंड का फंक्शन है। नेक्स्ट इज ओवरी, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन फीमेल्स, ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होगा, और दो हॉर्मोन्स बनाता है, फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन
आप इसको OES भी लिख सकते हो और O को अवॉइड भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोजेस्ट्रॉन. दो हॉर्मोन्स कौन से बनाएगी? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो हॉर्मोन्स बनाती है. तो फंक्शन क्या है ईस्ट्रोजन का? इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड, दैट इज ब्रेस्ट. इनका क्या करती है? डेवलपमेंट कराता है. और जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये आप लोग आई थिंक आगे भी पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब फेजेस पढ़ने हैं. एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. इट प्रिपेयर यूट्रस टू कंसीव प्रेगनेंसी. कौन से हार्मोन का काम है? दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन. और ईस्ट्रोजन का काम है फेमिनाइन जो फीचर्स हैं उनका डेवलपमेंट कराना. जैसे जो मेल टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन कौन सा गैमेट बनाता है? मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं. सिमिलरली ओवरीज जो हैं वो फीमेल गैमेट बनाती है, उसको बोलते हैं ओवा या फिर एग या ओवम भी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन रिलीज एंड रेगुलेटेड बाय, मतलब किस टाइम पे रिलीज होना और कितना अमाउंट. एग्जाम्पल है जैसे, ओके ये क्वेश्चंस हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, मुझे एमसीक्यूज भी कराने हैं. देन पिट्यूटरी, और सपोज मैं यहाँ पे ग्लैंड ले लेती हूँ, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? थायरोक्सिन, ठीक है. THYROXIN, थायरोक्सिन. फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है जैसे थायरोक्सिन रिलीज हो गया अपनी नॉर्मल अमाउंट में, जैसे ही इसका ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक है इन दोनों का इस पे. ये है एक पॉजिटिव, मतलब रिलीज कराना किसी चीज़ का, ठीक है. दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव फीडबैक. जब इसका कॉन्सेंट्रेशन इनफ अमाउंट में हो जाएगा, रिलीज इनफ अमाउंट में हो जाएगा, एंड जब इसका लेवल राइज करने लगेगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, हाई लेवल ऑफ हॉर्मोन. अब अगर थायरॉयड है तो थायरोक्सिन होगा, और अदर ग्लैंड्स के लिए जो भी उनका हॉर्मोन है, जब हाई लेवल होगा हॉर्मोन का ब्लड में तो वो क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन, ये सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा हाइपोथैलेमस को, और क्या बोलेगा कि आप इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को क्या कराओ, रिलीज कराओ. सो ये क्या हो गया, एक फीडबैक लूप सिस्टम हो गया, और ये क्या दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसके रिलीज को क्या कराएगा, ये इनहिबिट कराएगा. तो यहाँ से फिर कौन सा इनहिबिटरी, मैं यहाँ लिख रही हूँ रेड कलर से दिखा रही हूँ मैं इनहिबिटरी हॉर्मोन को, ठीक है. इनहिबिटरी हॉर्मोन निकलेगा जो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से थायराइड पे जाएगा, और वो इसके प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा. दिस इज़ द साइन ऑफ इनहिबिशन. या फिर जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर ये इसको इनहिबिट कर रही है तो ऐसे साइन होता है इनहिबिशन का, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा. तो एक होता है पॉजिटिव फीडबैक लूप जो क्या करेगा, उसके अमाउंट को, उसके सिक्रीशन को प्रमोट करेगा. नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा. सो दिस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक मैकेनिज्म. सो लास्ट हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़े से छह ही क्वेश्चन है. तो फर्स्ट इज अ ग्रुप अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस. क्या बोलते हैं उनको? ऑप्शन है इंटरसेप्टर, इफेक्टर, रिसेप्टर एंड एक्सेप्टर. तो अब बताओ. सो द करेक्ट आंसर विल बी रिसेप्टर, जो क्या करेंगे, सेंस करेंगे और उनको कैच करेंगे. तो वो कौन से होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस से, ठीक है.
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसेप्टर. कौन है जो रिसेप्टर नहीं कंसिडर हो सकता. जो सेंसरी ऑर्गन है वो तो रिसेप्टर हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, तो ईयर है, नोज है, सेंसरी रिसेप्टर हैं, आई भी है. सो मसल जो है इट इज़ नॉट कंसिडर एज द रिसेप्टर. तो आंसर विल बी मसल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हॉर्मोन. देखो एक अभी हमने नहीं पढ़ा पर हम ये क्वेश्चन फिर भी कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से. कैसे, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है. इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन. ये तो हमें पता है ये सब एनिमल हॉर्मोन है, तो ये एक अलग सा हॉर्मोन है तो हम इसको कर देंगे. साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन कराता है इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, हमें सिर्फ प्लांट पूछा है. और ये तीन क्या है, एनिमल हॉर्मोन है जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के गैप जो प्रेजेंट होता है उनके बीच में उसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स. पढ़ाया था मैंने. वेरी गुड गाइज, यू आर आंसरिंग वेरी गुड. नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम. अब ये बताओ स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होगी, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर पॉन्स. किसके कॉन्टिन्यूएशन में होती है, इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेड्यूला. मेड्यूला से इलोंगेट करती हुई वो नीचे की तरफ रन करती है, तो इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन, ओरिजिनेट फ्रॉम मेड्यूला. ओके, नेक्स्ट इज ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. कौन कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को, वॉलेंट्री एक्शन को करता है सेरिब्रम. पढ़ा था ना, फोर ब्रेन का पार्ट है जो सभी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. सो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कॉन्टिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.